साल 441 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद हुई है और इस साल 456 रुपए क्विंटल गन्ने की खरीद हुई। अगले साल करीब 405 लाख क्विंटल गन्ना आएगा और साथ ही कहा है कि गन्ना किसानों को 1335 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। 350 करोड़ का भुगतान अभी बकाया है जो कि 30 जून तक दे दिया जाएगा। जो हमारी रिपोर्ट ये आई है कि जो पिछले साल हमने जो गन्ना क्रश किया था वो था 441 लाख क्विंटल और इस साल हमने किया है 456 लाख क्विंटल और जो हमारी रिकवरी रेट था पिछली बार था 9.41 और अब की बार 9.77 आ रहा है, लेकिन महम का भी थोड़ा आएगा तो हम लगभग 9.75 के आसपास हमारी रिकवरी रेट हो जाएगा, लेकिन ये पिछले साल से बढ़कर है तो कुछ रिकवरी रेट में फ़ायदा हुआ है। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, पेमेंट हमारी लगभग 78% के लगभग पेमेंट हमारी हो चुकी है। 350 करोड़ के करीब बची हुई है और वो भी कुछ लोन लेके सरकार से और कुछ सब्सिडी आएगी सेंटर से, उसकी वजह उसके हिसाब से हम 10-15 दिन के अंदर सारी पेमेंट किसानों की कर देंगे। दो दो शुगर मिल्स को मिला करके हम सभी में एथनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। पानीपत में तभी माननीय अमित शाह जी ने 14 मार्च को फाउंडेशन कर चुके हैं और लगभग एक साल इसको लगेगा एथनॉल बनाने में, तो इसी तरह हम जितनी भी हमारी शुगर मिल्स हैं सबके अंदर एथनॉल प्लांट लेके आ रहे हैं और इनकी जो शुगर मिल्स हमारी जो घाटे में चल रही हैं या जैसे इनको बार बार लोन लेना पड़ता है, इस स्थिति से उभरने के लिए जिस तरह से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि इनको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट जब होंगे तभी ये सरकार की तरफ जो लोन लेने के लिए हर साल जाते हैं वो नहीं जाएंगे, तो उसके लिए हमने जैसे नंबर एक तो एथनॉल प्लांट का किया है और दूसरा हमने जैसे आपके प्रेस मेड वगैरह से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाए, पावर बनाए और भाई बगास है उससे ब्रैकेट्स बनाए, तो ये सारी चीज़ें अगर हम बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारी शुगर मिल से इनका फायदा होगा और किसानों को